अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि स्पेनिश ज़बान के अंदर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती हैं। आपको स्पेनिश ज़बान के वर्ब्स का तो पता होगा, अगर नहीं तो हमारी वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि ये लेसन उन्हीं वर्ब्स से रिलेटेड है। तो जो भी स्पेनिश ज़बान के वर्ब्स ए आर ई आर और आई आर पर ख़त्म होती हैं, जब ये किसी फिक्रे में अपने आप को तब्दील किए बग़ैर ही इस्तेमाल होती हैं, तो इन्हें ही इन्फिनिटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहा जाता है। जैसे आबलार टू टॉक यानी बोलना, असेर टू डू करना, बीवीर टू लिव रहना। अब आपको पता होगा कि जब हम इन वर्ब्स को फिक्रों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्जेक्ट यानी फाइल और टेंस के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर देती हैं, मगर आज आप स्पेनिश के ऐसे फिक्रे सीखेंगे जहाँ ये वर्ब्स अपने आप को तब्दील किए बग़ैर ही इस्तेमाल होंगी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जो क्यरो ईर, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अब इस फिक्रे में देखिए, अंग्रेज़ी वाला हो या स्पेनिश वाला, दोनों में ही दो दो वर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं। पहली जो है वो है करेर यानी वांट, चाहना। इस फिक्रे में हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि फिक्रे में जो भी पहली वर्ब है वो तो फाइल के मुताबिक तब्दील हो गई, केरो के अंदर करेर वर्ब थी, केरो के अंदर चेंज होगी, यानी जो केरो आई वांट, मैं चाहता हूँ। दूसरी जो वर्ब है वो है ईर टू गो, जाना, ये वर्ब तब्दील नहीं हुई है और इसे ही हम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि जो वर्ब स्पेनिश के फिक्रे के अंदर अपने आप को तब्दील नहीं करती वही इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो आइए देखते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ रूल्स और एग्जांपल्स। तो इसकी पहली पहचान या रूल समझ लें, वो ये है कि इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी किसी स्पेनिश फिक्रे में इस्तेमाल होंगी तो ये अपने आप को तब्दील नहीं करेंगी सब्जेक्ट और फिक्रे के लिहाज से, यानी टेंस के लिहाज से। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे जो तेंगो के लेर एल पेडियो दिको, जो तेंगो के लेर एल पेडियो दिको, आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, मुझे अखबार पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए जो लेर वर्ब है, इससे पहले एक वर्ब आई है तेनेर, जो कि तेंगो के अंदर चेंज होगी टेंस और फाइल के हिसाब से, यानी प्रेजेंट टेंस है तो जो के साथ इस्तेमाल हुई तो ये चेंज होगी तेंगो के अंदर। और इसी तरह दूसरी जो वर्ब है लेर, ये अपने आप को चेंज नहीं कर रही फिक्रे के अंदर, जिसका मतलब बन रहा है टू रीड। जो तेंगो के लेर एल पेरियोडिको, आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, मुझे अखबार पढ़ना है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि लेर क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो दूसरा जो फिक्र है हमारे पास वो है मे गुस्ता एस्कुचार मूसिका, मे गुस्ता एस्कुचार मूसिका, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, मुझे मौसीकी सुनना पसंद है। अब यहाँ पर भी देखिए, पहली जो वर्ब है वो है गुस्तार, जो कि फाइल और टेंस के मुताबिक चेंज हो गई, लेकिन जो दूसरी वर्ब है लिसनिंग यानी एस्कुचार, वो स्पेनिश के अंदर चेंज नहीं हुई, जैसी है वर्ब एस्कुचार वैसी की वैसी इस्तेमाल हो गई। तो हमारे पास तीसरी एग्जांपल है मे गुस्ता एस्टूडियर, मे गुस्ता एस्टूडियर, आई लाइक स्टडियंग, मुझे पढ़ना पसंद है। यहाँ पर भी देखिए, पहली वर्ब वही गुस्तार है जो कि चेंज हो गई, जबकि दूसरी वर्ब एस्टूडियर नहीं चेंज हुई। ये क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहीं पर आपको एक पॉइंट बताता चलूं, ये इन्हीं तीन फिक्रों से आपको सीखने को मिला होगा कि
जब इंग्लिश के फिक्रे में टू और उसके साथ कोई वर्ब आ जाए, जैसे टू लर्न, टू टॉक वगैरह वगैरह, तो उसकी जगह स्पेनिश के फिक्रे में हम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जैसे अभी हमने यूज़ किए हैं। या अगर ING वाली वर्ब्स आ जाएं, तो उनका भी स्पेनिश के अंदर तर्जमा इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब से करेंगे, हाँ अगर वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस को जाहिर ना कर रही हो तो। जैसे अभी हमने एक फिक्रा पढ़ा है, आई लाइक स्टडीइंग, मे गुस्ता एस्टूडियर, मतलब मैं सॉरी मुझे पढ़ना पसंद है। तो आपने यही दो पॉइंट याद रखने हैं कि जब इंग्लिश के फिक्रे में टू लर्न, टू रीड, टू टॉक, टू ईट, टू ड्रिंक वगैरह वगैरह आ जाएं, तो वहाँ पर हमने इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ लगानी है स्पेनिश की, स्पेनिश के फिक्रे के अंदर। या जैसे ये है लिसनिंग, स्टडीइंग, प्लेइंग, जैसे कहते हैं ना आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक रनिंग, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे स्पेनिश की, जब उसका स्पेनिश के अंदर आप तर्जमा करेंगे। तो दूसरा जो हमारे पास पास रूल या पहचान कह लें, वो ये है कि इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना, वो स्पेनिश फिक्रों में प्रीपोजिशंस के बाद भी इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे पास इसकी भी एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे देस्पुएस दे कोमेर साल्गो अ कामिनार, आफ्टर ईटिंग आई गो आउट फॉर ए वॉक, खाने के बाद मैं बाहर चहलकदमी के लिए जाता हूँ। तो आपने देखा कि देस्पुएस दे कोमेर, कोमेर क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसकी पहचान कैसे हुई, इसे पहले देखिए क्या है, दे क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अगर आपको इनकी स्पेनिश की प्रीपोजिशंस का पता नहीं है तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा। तो दे क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो वर्ब आ रही है कोमेर, इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ कहेंगे, सॉरी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे। तो और इसी फिक्रे के दूसरे हिस्से में देखिए साल्गो अ कामिनार, साल्गो का मतलब आई गो आउट, मैं बाहर जाता हूँ, आ कामिनार, आ क्या है, एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब फार टू वगैरह होता है। तो इसके बाद कामिनार वर्ब है, कामिनार का मतलब होता है टू वॉक वगैरह, कामिनार का मतलब होता है टू वॉक। तो कामिनार इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हुई है। तो हमारी दूसरी एग्जांपल आप देखिए, सोएनियो कॉन विविर इन एस्पानिया, सोएनियो कॉन विविर इन एस्पानिया, आई ड्रीम अबाउट लिविंग इन स्पेन, मैं स्पेन में रहने का ख्वाब देखता हूँ। अब सोएनियो मतलब जो सोएनियो, एक ही बात है क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाया। सोएनियो आई ड्रीम, मैं ख्वाब देखता हूँ, कौन क्या है, एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब विद या अबाउट होता है। अब कौन के बाद देखिए एक वर्ब है विवीर, टू लिव रहना, इन इस्पानिया स्पेन के अंदर। अब यहाँ पर भी आपने देखा जो वर्ब प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रही है वो अपने आप को चेंज नहीं कर रही, तो वो क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी बिवीर का आप तर्जमा देख लीजिए इंग्लिश के फिक्रे के अंदर, लिविंग, इसका मतलब क्या है, लिविंग। तो अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जो वर्ब ING वाली होगी इंग्लिश की, अगर वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, टेंस को जाहिर नहीं कर रही होगी, तो उसकी जगह हम स्पेनिश के अंदर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने विवीर किया। तो क्योंकि ये लिविंग कॉन्टिन्यूअस एक्शन को जाहिर नहीं कर रही। अब कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, तेंगो गानास दे बोलवेर आ इस्पानिया, तेंगो गानास दे बोलवेर आ इस्पानिया, आई वॉन्ट टू गो बैक टू स्पेन, मैं स्पेन वापस जाना चाहता हूँ।
टेंगो गानास आई वांट। अब दे क्या है, यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन, जिसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुई वो इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। बोलबेर का मतलब क्या होता है? टू गो बैक, ठीक है ना जी। तो अगला फिक्र है, एंसेनियो आसू हरमानो अनादार, ही टॉट हिज ब्रदर टू स्विम, उसने अपने भाई को तैरना सिखाया। इस फिक्रे में देखिए अनादार, आ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद नादार वर्ब इस्तेमाल हुई मतलब टू स्विम, ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे मैंने पहले बताया, जिस वर्ब के साथ इंग्लिश में टू आ जाए, जैसे टू स्विम है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब स्पेनिश के अंदर। इसी तरह आगे एक एग्जांपल है, मे गुस्तारिया अप्रेंदे अनादार, आई वुड लाइक टू लर्न टू स्विम, मैं तैरना सीखना चाहूँगा। इस फिक्र के अंदर देखिए तीन वर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं। पहली गुस्तार, जो कि किसका फ्यूचर का फिक्र है, मे गुस्तारिया आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा मतलब पसंद करूँगा, अप्रेंदेर ये दूसरी वर्ब और नादार तीसरी वर्ब। पहली पहली वर्ब तो चेंज हो गई फिक्रे और फाइल के हिसाब से, जबकि दूसरी वर्ब अप्रेंदेर टू लर्न ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसी तरह अगली वर्ब जो कि प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हुई, ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है नादार। तो आगे चलते हैं, सेबा कुम्प्रार उनका बाजो, सेबा कुम्प्रार उनका बाजो, ही इज़ गोइंग टू बाई ए हॉर्स, वो एक घोड़ा खरीदने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुम्प्रार क्या है, टू बाई खरीदना, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। आगे चलते हैं, के किएरे देसी रेसो, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, यूं भी इसका मतलब हो सकता है, मतलब के किरेस तुम क्या चाहते हो, के किरे आप चाहते हो, देसीर कहना, एसो ये, मतलब ये एक फ्रेज है स्पेनिश का जिसका मतलब है इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन। अब यहाँ पर देखिए किरे, केरेर जो वर्ब थी वो तो इस्तेमाल होगी अपने फिक्रे और फाइल के मुताबिक, चेंज भी हो गई, और देसीर क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसका मतलब होता है देसीर टू से कहना। आगे जी, एस्तोई पेंसांदो इन प्रेपरार इलते, एस्तोई पेंसांदो इन प्रेपरार इलते, आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग द टी, मैं चाय बनाने का सोच रहा हूँ। प्रेपरार, प्रेपरार क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है मतलब मेकिंग। आगे चलते हैं, नेसेसितो सालिर उन मोमेंटो, नेसेसितो सालिर उन मोमेंटो, आई नीड टू गो आउट फॉर ए मोमेंट, मुझे एक लम्हे के लिए बाहर जाना है। नेसेसितो क्या है, आई नीड, और सालिर टू गो आउट, ये क्या है, सालिर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। और आगे जी, आन देसी दीदो कॉम्प्रार उना कासा, आन देसी दीदो कॉम्प्रार उना कासा, दे हैव डिसाइडेड टू बाई ए हाउस, उन्होंने मकान खरीदने का फैसला किया है। अब कॉम्प्रार क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब टू बाई खरीदना। इसी तरह आगे है, नोमे आगस रेईड, नोमे आगस रेईड, डोंट मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ। रेईड क्या होता है, टू लाफ हंसना, इसका भी क्या आपको देखने को मिला कि ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। आगास का मतलब होता है मेक, सॉरी आसेर, ये आसेर वर्ब है जो कि यहाँ पर आगास बन गई है फिक्रे और फाइल के हिसाब से।
तो आ गया जी हमारे पास फिकरा, नो पुएदे बेनीर, नो पुएदे बेनीर, ही कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकता। बेनीर क्या है? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी तरह आ गया जी, केयर एस टू दियर मेडिसिना, केयर एस टू दियर मेडिसिना, ही वॉन्ट्स टू स्टडी मेडिसिन, एस टू दियर टू स्टडी, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसी तरह आ गया, तेंद्रियास के कुमेर मास, यू शुड ईट मोर, आपको ज़्यादा खाना चाहिए। अब यहाँ पर कौन से इन्फिनिटिव फॉर्म वर्ब? कुमेर, जी हाँ, टू ईट, यानी ईट, जो कि फिक्र के अंदर टू तो नहीं इस्तेमाल हुआ मगर ईट हुआ है, कुमेर ईट, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसी तरह जी, केरे देखार दे फुमार, ही वॉन्ट्स टू स्टॉप स्मोकिंग, वो तम्बाकू नोशी छोड़ना चाहता है। तो फुमार क्या है जी? स्मोकिंग, ये भी इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन है। और इसी तरह देखार भी एक इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्टॉप, छोड़ना। तो इस फिक्र में भी दो इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। और इसी तरह जी हमारे पास फिक्र है, केयरेस बेनीर, केयरेस बेनीर, डू यू वॉन्ट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो। यहाँ पर भी बेनीर वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म है। और हमारे पास आखिरी फिक्र है जी, नेसेसितो हाब्लार कॉन्टिगो, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पर हाब्लार यानी टू टॉक एक इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट बाकी है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीलॉग वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।